नागपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की 85वीं वार्षिक आम सभा बुधवार को शाम 4 बजे सेवा सदन चौक सेंट्रल एवेन्यू स्थित चैंबर के सभागृह में संपन्न हुई। इस मौके पर सभा सदों की भारी उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट आलोक डागा और चुनाव अधिकारी सीए संदीप जोतवानी की निगरानी में चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में गोविंद पसारी अध्यक्ष, तरुण निर्माण सचिव चुने गए और अन्य पदों के लिए प्रदीप जाजो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय जायसवाल, उपाध्यक्ष वसंत पालीवाल, कोषाध्यक्ष विवेक मुरारका व विपिन पनपालिया सह सचिव पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। कैलाश जोगानी निर्वर्तमान अध्यक्ष रहेंगे। संचालक मंडल में नितिन बंसल, पुरुषोत्तम ठाकरे, शंकरलाल खंडेलवाल, नाथाभाई पटेल, देवकी नंदन खंडेलवाल, संजय पांडे, कमल कलंत्री, वासुदेव झामनानी, लक्ष्मीकांत अग्रवाल, प्रशांत जगियासी, राजेश गोयल, प्रमोद अग्रवाल, वेणुगोपाल अग्रवाल, निखिल काकाणी, संजय नारके, जेरिन वर्गीस, गिरीश लिल्लिडिया, मनोज बागड़ी निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद पसारी ने अपने संबोधन में सभी व्यापारियों और चैंबर के सदस्यों को उनकी नियुक्ति पर धन्यवाद दिया और कहा कि नागपुर की खस्ता सड़कों और बढ़ते अतिक्रमण पर भी चिंता जताई और कहा कि अब समय आ गया है कि मेट्रो और विभिन्न विकास कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाए। व्यापारी संगठन में ऐसा है कि देखिए, अगर कोई अतिक्रमण जो हो रहा है वो अगर इल्लीगल जगह का हो रहा है तो उसके लिए हम कभी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कभी रियल व्यापारी का किसी का अतिक्रमण से गलत तरीके से अगर उसका नुकसान कर होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसके लिए उसके सामने जाके हम खड़े होंगे, सरकार से लड़ेंगे, पुलिस से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई इल्लीगल तरीके से अतिक्रमण करता है और उसको हटाती है तो ये हम लोग ही हमेशा अपील करते हैं उनको कि इसको हटाइए करके। और रही बात बाकी व्यापारियों की आत्महत्या वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मैंने अभी अपने भाषण में ही बोला है कि अभी इस कोरोना के बाद में इस साल बाजार में बहुत अच्छी रौनक है और उस रौनक के कारण बाजार हर व्यापारी का व्यापार जो है अच्छा फल फूल रहा है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये और आगे अच्छा बढ़ेगा। इसमें अभी ऐसी कोई समस्या वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि व्यापार सब सरकार ने GST के कारण हर व्यापार आदमी एक नंबर में व्यापार होने से हर आदमी को आराम अच्छी तरह से व्यापार करने की एक सुविधा मिल गई है ऑनलाइन के। इसमें अभी जैसे जोगाइन ने बताया है आपको कि ऑनलाइन के अंदर में वही व्यापार जो कमज़ोर पड़ रहा है, जिन व्यापारियों ने अभी तक अपना पुराना ढर्रा नहीं छोड़ा है, वो MRP पे माल बेच रहे हैं, ऑनलाइन में माल डिस्काउंट पे मिल रहा है, उनको भी डिस्काउंट मिलता है। अगर वो व्यापारी डिस्काउंट देके अगर माल नहीं बेचेंगे तो वो समस्या उनको आएगी। ये समस्या कपड़े में और कई चीज़ों में 4-5 कम आइटम हैं इसमें आती है और उन्हीं लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बाकी दूसरी लाइन में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो माल वो वहाँ से खरीदते हैं उसको 100 रुपये कम नागपुर में उससे कम दुकान में मिलेगा, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर जो व्यापारी अगर सोचते हैं कि हम आज भी MRP माल बेचेंगे तो ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि हर ग्राहक पूरा इतनी अवेयरनेस ग्राहक को आ गई है कि उसको पता है कि कौन सी घड़ी, कौन सा जूता किस रेट में मिलने वाला है, इसलिए अब वो चीज़ नहीं चलेगी। व्यापारी को भी नया अलर्ट होना पड़ेगा, अपना सेल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सारी दुकान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा और समय के अनुसार चलना पड़ेगा। उन्होंने व्यापारियों को नई टेक्नोलॉजी उपयोग करने के लिए कहा कि व्यापारी भी एक नागरिक और उपभोक्ता है, इसलिए हर अनैतिक कार्य से बचना चाहिए। उन्होंने नागपुर के सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि नागपुर चैंबर व्यापारियों की हर समस्या के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर चैंबर के पूर्व अध्यक्ष भागीरथ मुरारका ने नई टीम को अपने संबोधन में मार्गदर्शन किया और पूर्व अध्यक्ष विष्णु कुमार पेचरीवाला ने नई टीम का स्वागत किया। हमारी इस नागपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की 85वीं आम सभा थी। हमारे जो नागपुर चैम्बर है 1932 में बना हुआ है और 85 वर्षों से अधिक समय हो गया। ये सेंट्रल इंडिया का सबसे पुराना व्यापारिक संस्था हम कह सकते हैं इसको, जिसमें करीब व्यापारी हमारे मेंबर तो करीब 1500 से 1700 है, किंतु इनडायरेक्टली क्योंकि हमारे एसोसिएशंस भी है तो 80 से 90 से हमारे साथ जुड़ी हुई 80-90 एसोसिएशन जुड़ी है। तो उस हिसाब से हमारे विदर्भ के और पर्टिकुलरली नागपुर के करीब करीब 10,000 से 15,000 व्यापारी बिल्कुल चैम्बर से जुड़े हुए हैं, जो कि एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं, उनकी समस्याओं का भी हम समाधान करते हैं। आज हमारी इस नई कार्यकारिणी हमको, क्योंकि हमारी जो संस्था है नागपुर चैम्बर वो एक लिमिटेड है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है, जो पहले सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट में थी, अभी सेक्शन 8 में है, तो हमको 30 सितंबर के पहले AGM लेना कंपलसरी रहता है आम सभा, वो हमने लिया। उसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे गोविंद जी पसारी, जो अभी तक उपाध्यक्ष थे, वे अध्यक्ष बने हैं और बहुत ही एक्टिव यंग अध्यक्ष है। एक इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन में भी ऑफिस बेयरर अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आगे हमारा नागपुर चैम्बर में उनकी
बहुत ज़्यादा हमको सेवाएं मिलेगी। तरुण निर्माण, जिसको आप जानते हैं, ये पिछले वक्त भी सचिव थे, अभी भी सचिव है, बहुत ही अच्छा इनका पीआर है मीडिया से, व्यापारियों से, तो ये सचिव पद इनका तीसरा टर्म है, तो ये भी बिल्कुल सचिव टर्म हमको एक नागपुर चैम्बर में बहुत अच्छा सचिव मिला। बहुत से नए डायरेक्टर हैं, विजय जी जायसवाल हमारे अभी उपाध्यक्ष है, प्रदीप जी जाजू पुराने वर्ष भी उपाध्यक्ष थे आपके, विजय जी जायसवाल गोविंद पसारी जी अध्यक्ष बने तो वे उपाध्यक्ष बने हैं। नए डायरेक्टर में राजेश जी गोयल आए हैं, जो हमारे मिर्ची मर्चेंट एसोसिएशन में भी है, और भी बहुत से गिरीश जी लीलड़िया, ऐसे करके जो यंग डायरेक्टर से वे भी आपके सम्मिलित हुए हैं, लक्ष्मीकांत जी अग्रवाल, प्रमोद जी अग्रवाल, विवेक जी मुरार का जॉइंट सेक्रेटरी है जिन्होंने कंडक्ट किया, अभी काफ़ी अच्छे एक्टिव है, प्रिंटिंग में उनका नाम है। हमारा नागपुर चैम्बर हमारे नए अध्यक्ष की अध्यक्षता में आगे जो भी व्यापारियों को तकलीफ है, वो स्थानीय मुद्दे रहो, स्टेट के मुद्दे रहो, क्या यूनियन के जो रहते हैं ना, देश के मुद्दे रहो, व्यापार से रिलेटेड, उसका हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, व्यापारियों को, सरकार को भी सपोर्ट करेंगे अच्छे मुद्दों पे, लेकिन उनकी जो गलत नीतियाँ हैं उसका हम हरदम अपोज करते हैं। बजट में हम हमारा प्री बजट मेमोरेंडम देते हैं, कुछ पोस्ट बजट देते हैं कि ये चेंज करो, बहुत सी उनकी नीतियाँ जो है उसके बारे में, जैसे अभी हमारे नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से मुझे ही डायरेक्ट टैक्स में एडवाइजरी कमेटी में लिया, वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय CBDT ने मुझे नियुक्त किया, तो हम उसमें भी वैल्यू एडिशन करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा टैक्स होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब हम करते हैं। तो आपका मीडिया का जो हमको सपोर्ट है हरदम मिलता है, आगे भी हमको सपोर्ट मिले, यही आप लोगों से हमारी अपेक्षा है। सेक्रेटरी नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुझे तीसरी बार सभी व्यापारियों ने एक बार फिर से मौका दिया है कि मैं उन लोग के साथ जुड़ूं और उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान दूं। मैं सिर्फ व्यापारियों से ये कहना चाहता हूं कि अब अपने को थोड़ा अपना व्यापार को आधुनिक करना पड़ेगा, क्योंकि आज बड़े बड़े स्टोर्स आ रहे हैं, डीमार्ट है, आप डीमार्ट में देखेंगे वैसे ही बिग बाज़ार था, ऐसे कई बड़े बड़े मार्ट्स आ चुके हैं, तो अपने को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे हमारे जोगानी जी अध्यक्ष, उन्होंने बताया है कि हर बार अपने को टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा, लेकिन अपना व्यापार जो हर साल जो अपन पहले जैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से विश्वास के साथ करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। आगे दिवाली है, दिवाली पर सबका व्यापार जोरदार हो, ऐसी मैं शुभकामना नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सभी व्यापारियों को देता हूं। धन्यवाद। इस अवसर पर राजेंद्र चांडक, पवन अग्रवाल, रियांग अग्रवाल, बाबू कादरी उपस्थित थे। सभा का संचालन विवेक मुरारका ने और आभार प्रदर्शन सचिव तरुण निर्माण ने किया। कैमरा पर्सन सुभाष भूटले के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।